हेलो दोस्तों, आप है अपनी दोस्त रविंद्र के साथ। आज के हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है सातवीं फेल। सातवीं फेल, अरे ये कैसा टॉपिक हुआ? क्योंकि हम तो यहाँ पॉजिटिव बातें करने के लिए मिले हैं, सक्सेस स्टोरी सुनने और सुनाने के लिए आए हैं, फिर फेलियर की बातें क्यों? यही सोच रहे होंगे ना आप। जी, सातवीं फेल, पर दोस्ती में डिस्टिंक्शन, लाइफ में टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फैमिली में मोस्ट केयरिंग हस्बैंड एंड मोस्ट लविंग फादर। रिसेंटली मैं अपने हस्बैंड के स्कूल फ्रेंड्स के एक ग्रुप से मिली, अप्रोक्सीमेटली 7 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। वाओ, एवरीवन वाज सो एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। बट डू यू नो व्हाट वाज यूनिक अबाउट दैट ग्रुप? लेट मी टेल यू, दे ऑल वर फेल्ड इन 7th क्लास, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ देम। स्कॉलर लोगों के गेट टुगेदर में होती होंगी ना ये बातें, आई गॉट दिस मच मार्क्स, उफ मेरा सिर्फ एक नंबर रह गया, अदरवाइज मेरा एडमिशन IIT में हो जाता, IIM में हो जाता। मैंने सो एंड सो कॉलेज में एडमिशन लिया, आई हैव डन दिस कोर्स एंड दैट कोर्स, आई परस्यूड दैट एंड दिस, आई स्टडीड अब्रॉड, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब विद दिस मच पैकेज एंड ब्ला 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 ब्ला। पर इमेजिन, ये फेलियर्स का ग्रुप क्या बातें कर रहा था? ओए, तू 3 बार फेल हुआ था? ओए नहीं, 2 बार, और 2 बार तो मैं 9वीं में फेल हुआ था। एंड वन ऑफ देम पॉप अप विद हिज स्टेटस, ओए होए होल्ड ऑन मैन, मैं 7वीं में फेल नहीं हुआ था, फेल तुम सब हुए थे, मैं तो 6th में ग्रेस मार्क्स लेके पास होके 7th में आया था। एंड ब्यूटीज ऑफ द पार्टी आल्सो येल्ड, सुन मेरी बात, मैं फॉरेन से आई थी, मुझे हिंदी नहीं आती थी, दैट्स व्हाई आई फेल्ड। मींस एवरीवन वाज बोस्टिंग ऑफ देयर फेलियर विदाउट एनी हेजिटेशन। और हर क्लास में टॉप करने वाली मैं डर रही थी कहीं बच्चे ना ये सब सुन ले, उन पे क्या असर पड़ेगा कि मम्मी पापा 7वीं में फेल हुए थे, इट वुड बी बैड एग्जांपल फॉर देम, नहीं? पर शायद मेरी तरह आपका सोचना भी गलत है। दिस इज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग योर किड्स, हाउ टू हैंडल देयर फेलियर एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। अपने फेलियर से भागकर अगर ये डिप्रेशन में चले जाते या सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते, तो हम इन्हें आज इतना खुश कभी नहीं देख पाते। पास और फेल होना सिर्फ सिक्के के 2 पहलू हैं, जिंदगी नहीं। आप 7वीं में अगर पास भी हुए थे तो आज आपकी जिंदगी में वो डिग्री कहाँ मैटर कर रही है? दिस इज एंटायरली अप टू यू, आप अपने या अपने बच्चों के फेलियर को कितने करेज से हैंडल करते हैं। आप जानना नहीं चाहेंगे इन फेलियर्स के साथ लाइफ ने क्या किया? लाइफ ने दी इनको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, डेयरिंग एटीट्यूड, क्योंकि अगर आप स्कूल में टॉप करते तो आपका कोई एक फिक्स टारगेट होता, सारी उम्र आप अपनी ड्रीम जॉब में खटते रहते। पर ये 7वीं फेल शेर तैयार थे हर चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि अब फेल होने से कौन डरता था? हर वो प्रोफेशन आजमाया जिसमें इनकी डिग्री स्टैंड्स नोवेयर, खूब हिट एंड ट्रायल की, क्योंकि डर नहीं था फेल होने का। और आज ये सब अपने अपने बिजनेसेस में, प्रोफेशंस में सक्सेसफुल हैं, और हम जैसे कई MBAs इनकी नौकरी करते हैं। दोस्तों, फेलियर हमें वो सिखा देता है जो पास होना कभी नहीं सिखा सकता। टुडे दीज 7th फेल्ड आर सक्सेसफुल इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ, दे आर द मोस्ट करेजियस पीपल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। सक्सेस में हर कोई साथ देता है, पर इन लोगों ने फेल होकर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। टुडे आई एम हैप्पी फॉर देम, आई एम हैप्पी नोइंग देम, दे आर सो कंटेजियस। लाइफ को लेके आज मेरा प्रोस्पेक्टिव भी बदल गया। सो हेयर आई एम नॉट एडवोकेटिंग बीइंग फेल्ड, बीइंग फेल्ड इज रियली पेनफुल इंडीड, बट इस फेलियर से ओवरकम करना, दैट मैटर्स। No one understands what failure's been through. Pain, shame, embarrassment, teasing, taunting, scolding, stress. But in sab ke bawajood, ye ruke nahi. They rise and shine and keep on walking. So guys, inke courage ko, dare ko, experimenting attitude ko, inke struggle ko aur jazbe ko, ek salute to banta hai. Dosto, hamari khushiyon ki kasauti, ye degrees nahi ho sakti. So I have decided कि अब इन फेलियर से तो मिलते ही रहना पड़ेगा, टू लर्न द सम मिसिंग पार्ट ऑफ सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज।
So, with this note, this podcast ends here. See you next time with my new podcast. You can follow my page, RJ Ravindra Kaur on Facebook, Insta per hashtag RavindraKaur8954. And you can share your experiences about any sort of failure you faced in your life. Goodbye for now and happy listening.